एक होती है नेवी और एक होती है मर्चेंट नेवी, और इन दोनों के पास में ही बड़े बड़े शिप होते हैं जिनकी पावर का अभी आपको आगे पता चलेगा। कोई भी देश की नेवी देश की बाउंड्री को सिक्योर करती है, वह कम्प्लीटली एक गवर्नमेंट बॉडी होती है जो देश के लिए काम करती है। लेकिन मर्चेंट नेवी एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी है जिसका ज्यादा काम ट्रांसपोर्ट का ही होता है। एक देश से दूसरे देश के बीच में जो ट्रांसपोर्ट होता है वह 90% शिप के थ्रू होता है, चाहे क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट हो या फिर गाड़ियों का हो या और कुछ भी हो सकता है। जो पूरी दुनिया का सबसे लार्जेस्ट कंटेनर शिप है जो मर्चेंट नेवी के अंदर आता है, जिसका नाम एवर एस है, वह एक बार में 23,992 कंटेनर एक साथ में लेकर जा सकता है, और यहाँ पर हर एक कंटेनर 20 फीट लंबा होता है। तो इसकी लोड कैरिंग कैपेसिटी आप देख सकते हो, एक पूरे गांव को उठाकर लेकर जा सकता है ये। और इतने बड़े शिप को चलाने के लिए बहुत सारे लोग नहीं होते हैं, यहाँ पर मोस्ट ऑफ कार्गो शिप में 13 से 14 लोग ही होते हैं। अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आया होगा कि यार इतना बड़ा भारी शिप है, इतना वजन लेकर जा रहा है, यह पानी में क्यों नहीं डूबता है, जबकि यह कोई लकड़ी का नहीं बना हुआ है, आयरन या फिर स्टील का बना होता है। यहाँ पर फिजिक्स का एक फंडा काम में लिया जाता है जिसको एकदम आसान लैंग्वेज में समझते हैं। पानी के अंदर दो फोर्स काम करते हैं, एक है ग्रेविटेशनल फोर्स जो कोई भी चीज को जब पानी में डालते हैं तो उसको नीचे की तरफ पुल करता है। दूसरा फोर्स है बोयंट फोर्स। यह फोर्स जब हम पानी में कोई ऑब्जेक्ट डालते हैं तो पानी उसको वापस ऊपर की तरफ फोर्स लगाता है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट पानी में तभी डूब सकता है जब ग्रेविटेशनल फोर्स बोयंट फोर्स से ज्यादा होगा, और जब बोयंट फोर्स ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फोर्स से तो कोई भी ऑब्जेक्ट तैरता रहेगा। बोयंट फोर्स कहता है कि कोई भी ऑब्जेक्ट को जब पानी में डाला जाता है तो वह जितना पानी डिस्प्लेस करता है वह उसके वेट के बराबर होता है। चलो इसको थोड़ा और आसान करते हैं। जैसे यदि हमारे पास में आयरन की बॉल है जो 1 kg की है, तो जब इसको पानी में डालेंगे तो यह 1 kg वजन जितने पानी को डिस्प्लेस कर पाएगी, तो यह पानी में आराम से डूब जाएगी। लेकिन जो हमारा पानी का जहाज होता है यह बहुत ज्यादा पानी को डिस्प्लेस कर देता है। जब शिप को पानी में उतारा जाता है तो शिप पानी को बहुत ज्यादा डिस्प्लेस कर देता है, यानी शिप में 10 kg वजन है तो वह 100 kg वजन जितने पानी को दूर करने के लिए फैल जाता है, जिससे बोयंट फोर्स हावी हो जाता है और शिप तैरता रहता है। जो नेवी के शिप होते हैं उनके पास में बहुत सारे वेपन होते हैं। फाइटर जेट भी नेवी के शिप पर उतर सकते हैं, ब्रह्मोस जैसी मिसाइलों को इन नेवी के शिप से लॉन्च किया जा सकता है, और बहुत सारे इनमें एडवांस टेक्नोलॉजी के वेपन भी होते हैं। लेकिन जो मर्चेंट नेवी के शिप होते हैं वह अपने साथ में कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको पता है एक जो मर्चेंट नेवी का बड़ा शिप होता है वह कई देशों से जाता है और हर देश के रूल्स अलग अलग होते हैं, इस वजह से यह अपने साथ में कोई भी वेपन कैरी नहीं कर सकते हैं। आपको पता नहीं है तो मैं बता देता हूँ, पायरेट्स ऑफ कैरेबियन आपने मूवी देखी होगी जॉनी डेप की, जिसमें समुद्री लुटेरे होते हैं जो शिप को लूटने का काम करते हैं, और यह रियल लाइफ में भी होते हैं। जो बड़े बड़े शिप होते हैं कई बार इन पर पायरेट्स अटैक कर देते हैं और इनसे कंटेनर भी ले जाते हैं, और जो पायरेट्स होते हैं उनके पास में तो वेपन भी होते हैं जबकि शिप के ऊपर कोई भी वेपन होता ही नहीं है शिप को सिक्योर करने के लिए। तो फिर ऐसे केस में शिप कैसे अपने आप को बचाएगा? तो समुद्री लुटेरों से इस शिप को बचाने के लिए शिप पर और कई तरीके के इक्विपमेंट काम में लिए जाते हैं, जैसे LRAD। इस टेक्नोलॉजी में एक ऐसी साउंड को रिलीज किया जाता है जो बहुत ही पेनफुल होती है, जिससे पायरेट्स भाग जाते हैं। इसके अलावा वाटर कैनन को भी यूज में लिया जाता है, जिसमें प्रेशर से पानी को फेंका जाता है पायरेट्स पर। इसके अलावा बहुत सारी ऐसी टेक्नोलॉजी होती है जो वेपन्स का काम करती है, अल्टरनेट सॉल्यूशन होती है वेपन्स का, और इन्हीं टेक्नोलॉजीज को यूज में लेकर पायरेट्स से इन बड़े बड़े शिप को बचाया जाता है। एक शिप के अंदर आपको पता है करोड़ों अरबों का सामान होता है, इसलिए समुद्र में लुटेरे भी बहुत होते हैं। जो नेवी के शिप होते हैं उनके पास में नेट कनेक्टिविटी की पूरी फैसिलिटी रहती है, लेकिन मर्चेंट नेवी के जो शिप होते हैं उनमें से कुछ ही शिप के पास में नेट कनेक्टिविटी की फैसिलिटी होती है। बाकी शिप पर जो भी लोग रहते हैं उनके पास में कोई नेट की फैसिलिटी नहीं होती, और जिन लोगों को नेट एक्सेस मिलता है वह भी बहुत कम मिलता है, जैसे 100 MB मिल गया 1 महीने के लिए। इसीलिए जो पैसेंजर शिप होते हैं वह अपनी शिप का किराया कम रखते हैं, लेकिन जब पैसेंजर शिप में आ जाता है तो वहां पर जो भी चीजें वो खरीदता है वह बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, और इसी तरीके से यह शिप अपना रेवेन्यू जनरेट करते हैं।
आपको पता है गाड़ियों में ब्रेक लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन शिप में ब्रेक लगाना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए इसमें रडार टेक्नोलॉजी को यूज में लिया जाता है ताकि दूर से ही पता लगा सके कि यदि कोई ऑब्जेक्ट सामने से आ रहा है तो ब्रेक लगाना है या नहीं। क्योंकि शिप की बॉडी जिसको हल बोलते हैं यह एक लिक्विड मीडियम के अंदर फ्लोट कर रही है, जिसकी वजह से यहाँ पर कोई स्ट्रॉन्ग फ्रिक्शन क्रिएट नहीं होता है। शिप को ब्रेक लगाने के लिए शिप के इंजन का बहुत बड़ा रोल होता है। जहाँ पर शिप के इंजन को रखा जाता है उसको बोलते हैं इंजन रूम, और यह इंजन रूम शिप के एकदम पीछे की तरफ होता है। मोस्ट ऑफ शिप में इंजन यूज होता है वह 2-स्ट्रोक इंजन काम में लिया जाता है, जिसमें 14 सिलेंडर तक इंजन हो सकता है। अब इंजन के अंदर यह 2-स्ट्रोक और सिलेंडर क्या होते हैं, इसके लिए आप इन दोनों वीडियो को देख सकते हो, जिसमें आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। इंजन की जो क्रैंक शाफ्ट होती है वह इंटरमीडिएट शाफ्ट के थ्रू प्रोपेलर से जुड़ी रहती है। जब इंजन रोटेट करता है तो इस शाफ्ट से जुड़ा हुआ प्रोपेलर भी रोटेट करने लग जाता है। अब यह प्रोपेलर इस शिप को आगे भी बढ़ा सकता है, पीछे भी बढ़ा सकता है और रोक भी सकता है। इस प्रोपेलर का डायामीटर 10 मीटर हाइट जितना बड़ा होता है और इसका वजन लगभग 130 टन के आसपास में होता है। आज के जो शिप आते हैं उनमें कंट्रोल्ड पिच एंगल वाला प्रोपेलर काम में लिया जाता है। कंट्रोल्ड पिच का मतलब है जो इस प्रोपेलर के ब्लेड हैं ये एडजस्ट होते हैं कुछ इस तरीके से। जब शिप आगे बढ़ता है तब इन प्रोपेलर ब्लेड को कुछ इस तरीके से सेट किया जाता है कि यह पानी को पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं। जब पानी पीछे जाएगा तब प्रोपेलर के इस साइड में पानी का प्रेशर ज्यादा होगा और इस साइड में पानी का प्रेशर कम होगा, तो शिप हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ बढ़ेगा, जिसमें शिप आगे की तरफ बढ़ता जाएगा। अब जब शिप को रोकना होता है तब नॉर्मल कंडीशन के अंदर इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद कर दी जाती है, जिसे इंजन बंद हो जाता है और प्रोपेलर रोटेट करना बंद कर देता है, जिसकी वजह से थोड़ी दूर तक शिप चलने के बाद में अपने आप ही रुक जाता है पानी के फोर्स की वजह से। लेकिन मान लो कई बार इमरजेंसी कंडीशन आ जाती है, जैसे सामने यदि कोई पोर्ट आ गया या फिर सामने कोई दूसरा शिप आ गया या फिर कोई पानी में बर्फ का पहाड़ आ गया। क्योंकि समंदर के अंदर मौसम बहुत ज्यादा बदलता रहता है, दिन में गर्मी पड़ती है तो रात को बर्फ जम जाती है, तो ऐसी कंडीशन में शिप को रोकना बहुत मुश्किल होता है। यदि शिप में कंट्रोल्ड पिच एंगल वाला प्रोपेलर लगा है तो हमें जस्ट प्रोपेलर का पिच एंगल चेंज करना है, और जो प्रोपेलर पहले पानी पीछे की तरफ फेंक रहा था अब वह आगे की तरफ पानी फेंकने लग जाएगा, जिससे शिप को पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, जिससे धीरे धीरे शिप की स्पीड स्लो डाउन होने लग जाएगी। और जब शिप रुक जाता है तो इंजन के प्रोपेलर को बंद कर दिया जाता है, वरना शिप वापस पीछे की तरफ भी चलने लग जाता है। लेकिन इमरजेंसी कंडीशन में इंजन पर बहुत ज्यादा मैकेनिकल स्ट्रेस आता है, इंजन बहुत ज्यादा ओवरलोड कंडीशन में काम करता है। इंजन को इस ओवरलोड से बचाने के लिए जो प्रोपेलर है उसके एंगल को धीरे धीरे रिवर्स किया जाता है। लेकिन कई बार ऐसी कंडीशन हो जाती है कि यदि इंजन को फुल्ली रिवर्स नहीं किया गया तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, तो फिर ऐसी कंडीशन में प्रोपेलर एंगल को फुल्ली रिवर्स में कर दिया जाता है, जिसकी वजह से इंजन पर बहुत ही ज्यादा मैकेनिकल ओवरलोड बढ़ जाता है। कंट्रोल्ड पिच एंगल प्रोपेलर में अच्छी बात यह है कि इसमें इंजन की डायरेक्शन को नहीं बदला जाता है, इंजन वैसे ही रोटेट करता रहता है जैसे पहले कर रहा था, बस हमें प्रोपेलर के पिच एंगल को बदलने की जरूरत होती है, और पिच एंगल बदलते ही जो फोर्स की डायरेक्शन है वह भी बदल जाएगी। टाइटेनिक मूवी तो आपने देखी होगी, जो टाइटेनिक शिप था वह अपनी पहली ही यात्रा में डूब गया था, जिसमें कम से कम 2000 से ज्यादा पैसेंजर थे। उस शिप में फिक्स्ड ब्लेड प्रोपेलर को काम में लिया गया। अब जो फिक्स्ड ब्लेड प्रोपेलर होता है उसका पिच एंगल हम एडजस्ट नहीं कर सकते हैं, इसलिए शिप को रोकने के लिए पहले इंजन की फ्यूल सप्लाई बंद की जाती है और इंजन को रोका जाता है, और फिर उसके बाद में इंजन को रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करवाया जाता है, जिससे प्रोपेलर रिवर्स रोटेट करेगा तब जाकर वह ब्रेकिंग की कंडीशन में आएगा। और यह जो प्रोसेस है इसको कंप्लीट होने में काफी टाइम लग जाता है, इसलिए शिप काफी दूरी तक जाकर रुकता है, और नहीं रुका तो कई बार तो एक्सीडेंट हो भी जाता है। जब शिप रुकने की कंडीशन में आता है और एक जगह पर शिप को स्टॉप करना होता है तब पानी में एंकर को छोड़ा जाता है। यह एंकर पानी में बहुत नीचे तक चला जाता है, तो यह कुछ इस टाइप का बना होता है कि समंदर के नीचे जो मिट्टी होती है उसमें जाकर यह फंस जाता है, और जैसे ही यह फंसता है तो शिप एकदम रुकने लगता है। लेकिन इस एंकर का यूज मोस्ट ऑफ टाइम पर तभी किया जाता है जब शिप पानी के अंदर खड़े रहते हैं। इस एंकर को पानी में छोड़ने के लिए एक पावरफुल मशीन को यूज में लिया जाता है, जिसका नाम है विंडलास। क्योंकि इस एंकर की साइज आप देख सकते हो कितनी बड़ी है, पानी में छोड़ना तो चलो फिर भी ठीक है, लेकिन यह इतनी पावरफुल भारी जो चेन है इसको वापस भी तो समेटना है, और उसके लिए इस विंडलास मशीन को यूज में लिया जाता है।
अब यदि शिप में पानी को रोकना मुश्किल है तो इसको टर्न दिलवाना भी मुश्किल है, और टर्न के लिए शिप में प्रोपेलर के पीछे यह रडर लगा रहता है और यह भी कुछ इस तरीके से एडजस्ट होता है और इसी से पूरी जो शिप है इसको टर्न दिलवाया जाता है। जो कंट्रोल्ड पिच वाले प्रोपेलर है उनमें प्रोपेलर के पिच एंगल को भी एडजस्ट करके टर्न लेने में काम में लिया जाता है। यह जो इतने बड़े बड़े शिप होते हैं इनकी कोई बहुत ज़्यादा स्पीड नहीं होती है, सिर्फ 30 से 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में ही यह चलते हैं। इसलिए एक शिप 6 महीने से लेकर 12 महीने तक के टूर पर निकलता है, क्योंकि हर कंट्री में जब यह एंटर करता है तो इसको वहाँ पर रोकना पड़ता है और इसकी पूरी चेकिंग होती है। और इसी वजह से जो लोग मर्चेंट नेवी में काम करते हैं वह 6-6 महीने तक घर नहीं आते हैं, लेकिन मर्चेंट नेवी में सैलरी बहुत ही शानदार होती है। और मर्चेंट नेवी में जॉब के लिए बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट होते हैं तो इसका कोर्स करवाते हैं और मर्चेंट नेवी में जॉब भी दिलवाते हैं। लेकिन इंडियन नेवी में जॉब के लिए पूरा ही कंसेप्ट अलग है, इसमें आपको गवर्नमेंट एग्जाम फाइट करना पड़ेगा और यहाँ पर सैलरी गवर्नमेंट के हिसाब से ही होती है, मर्चेंट नेवी जितनी तो नहीं होती है। अब यह जो इतने बड़े शिप होते हैं इनमें इंजन का कंट्रोल, प्रोपेलर का कंट्रोल करना, इनकी पिच एंगल को एडजस्ट करना, टर्न दिलवाना, यह सब इसके कंट्रोल रूम से ही मैनेज कर लिया जाता है। शिप के अंदर जितने भी लोग होते हैं वह इसका पूरा मेंटेनेंस का काम संभालते हैं। कुछ लोग इंजन का काम करते रहते हैं जिनका पूरे दिन भर का काम ही इंजन का ही होता है, और कुछ लोग कंट्रोल रूम में लगे रहते हैं शिप की सेफ्टी और शिप को संभालने के लिए। तो इस तरीके से एक शिप अपनी ट्रेवलिंग की जर्नी स्टार्ट करता है। तो मेरे ख्याल से आपको वीडियो पसंद भी आया होगा और कुछ ना कुछ आज नया सीखने को जरूर मिला होगा। और ऐसा हुआ है तो इंटरेस्टिंग बात यह है कि आप चैनल पर विजिट कीजिए और आपको ऐसे बहुत सारे वीडियो देखने को मिल जाएंगे चैनल पर। इसके अलावा यहाँ तक पहुँच गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते हुए जाना। Thank you.